पर्सनैलिटी वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ऐसे इंसान की इमेज आती है जो स्मार्ट हो, पावरफुल हो, अट्रैक्टिव हो, पैसे वाला हो और सबसे इम्पॉर्टेंट बात उसका बिहेवियर अट्रैक्टिव हो। हम सभी का एक यूनिक सा स्टाइल होता है, खड़े होने का, बोलने का, हंसने का, चलने का, सोचने का, और हमारा यही स्टाइल हमें सबसे ज़्यादा यूनिक बनाता है, हमारी पर्सनैलिटी बिल्ड करता है और हमारी यही पर्सनैलिटी ये डिसाइड करती है कि लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे या नहीं, समाज में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी या नहीं, आप सफल होंगे या नहीं। बहुत से लोग कहते हैं यार उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी है, इम्प्रेसिव है, ऐसी तारीफ हम उसी की करते हैं जिसके साथ हमें बातें करना पसंद होता है, जिसके साथ हमें रहना पसंद होता है, जिसका बिहेवियर पसंद होता है। अगर आप भी चाहते हैं लोग आपकी तारीफ करते ना थके, आपके साथ जुड़ना चाहें, आपकी इज्जत करें, तो आज मैं आपको 8 ऐसी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टिप्स देने वाला हूँ जो आपकी पर्सनैलिटी को इतना निखार देंगी कि पूरी दुनिया आपकी जैसी पर्सनैलिटी पाना चाहेगी। इसलिए वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाने के लिए कॉन्फिडेंस का डोज लेते रहें, कॉन्फिडेंट रहें। कभी कभी जब मैं लेट नाइट अपने ऑफिस से अपने घर के लिए आता था तो रास्ते में एक जंगल पड़ता था जो काफ़ी डरावना था। या तो मैं 50 रुपये खर्च करके ऑटो से 5 किलोमीटर घूमकर अपने घर जाऊं, या फिर 5 मिनट पैदल चलकर शॉर्टकट से अपने पैसे बचा लूं। तो होता ये था, जब मैं उस जंगल को पार करता था उस वक्त मुझे बहुत डर लगता था, तो मैं उस डर को दूर करने के लिए खुद से ही बातें करना शुरू कर देता और कभी कभी डर के मारे जोर जोर से बोलने लगता और मेरा डर काफ़ी हद तक कम हो जाता। सेम ऐसे ही अगर आप किसी काम से डरते हैं, जैसे बोलने से डरते हैं, तो आपको डेली बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए और टाइम टू टाइम कॉन्फिडेंस का डोज लेते रहना चाहिए ताकि आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि आप एक दमदार पर्सनैलिटी के मालिक तभी बन सकते हैं जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल 101% होगा। दूसरी बात है, हर किसी की तारीफ करें, चाहे वो आपका सगा हो या बाहर का हो। कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि अपने माँ बाप की, अपने भाई बहन की, अपने रिलेटिव्स की तारीफ करने की क्या ज़रूरत है, तारीफ तो हमें बाहर वालों की करनी चाहिए। देखो यार, अगर किसी ने अच्छा काम किया है, मुसीबत के समय आपकी हेल्प की है, तो आपको उसकी तारीफ और उसका शुक्रिया अदा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आप तभी पा सकते हैं जब आप दूसरों को अप्रिशिएट करोगे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे। इससे होगा ये, उस इंसान की नज़रों में आपकी इमेज एक अच्छे इंसान जैसी होगी, साथ ही वो इंसान एक तरह से आपका फैन हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उस इंसान को आपके शब्दों से काफ़ी खुशी मिली है। इसलिए आगे से जब भी कोई अच्छा काम करे तो आपको उसकी तारीफ ज़रूर करनी है, चाहे वो आपका सगा हो या बाहर वाला। और एक बात ये भी याद रखना, आपको बिना मतलब किसी की तारीफ भी नहीं करनी है, वरना लोग इसका गलत ही मतलब निकाल लेंगे। मेरी बात सही लगी हो तो कॉमेंट बॉक्स में आई अग्री ज़रूर लिख देना। तीसरी बात है, इतने बड़े बनो कि आपको लोगों की हेल्प ना लेनी पड़े, बल्कि लोग आपसे हेल्प की उम्मीद रखें। लाइफ में एक बात याद रखना, अगर आप हमेशा दूसरों के सामने हाथ फैलाते रहोगे तो लोगों में आपकी वो कदर नहीं होगी जो होनी चाहिए, क्योंकि बार बार दूसरों के सामने हाथ फैलाने वाला इंसान कभी भी सफल नहीं हो सकता, और जो इंसान सफल नहीं वो इंसान कुछ भी नहीं, क्योंकि समाज में आपसे आपकी अच्छाई नहीं, आपकी अचीवमेंट्स पूछी जाती हैं, आपका बैंक बैलेंस पूछा जाता है, आपकी पहुँच पूछी जाती है। और एक दमदार पर्सनैलिटी बनाने में इन सब चीजों का बहुत ज्यादा हाथ होता है, इसलिए अपनी लाइफ को उस दिशा की ओर मोड़ दो जिस दिशा में आपको सफलता मिले, ना कि हमदर्दी। जिस दिन आप इतने बड़े बन जाओगे उस दिन आपको लोगों से हेल्प नहीं मांगनी पड़ेगी, बल्कि लोग आपसे हेल्प मांगा करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए। चौथी बात है, राइट ड्रेसिंग ही चुने। कुछ दिन पहले मैं एक शादी में गया, वहाँ मैंने एक आदमी को देखा जिसने काफ़ी लूज शर्ट पहनी हुई थी। वो कभी अपनी शर्ट को इन करता तो कभी आउट। आप यकीन नहीं करेंगे, उसने 15 मिनट में कम से कम 10 बार अपनी शर्ट इन की, लेकिन मुझे लगता है वो अपनी शर्ट इन नहीं करना चाहता था, लेकिन लूज शर्ट होने की वजह से वो अपनी शर्ट इन कर रहा था और चुपचाप एक कोने में खड़ा था। उसके फेस से साफ साफ झलक रहा था कि वो उन कपड़ों में उतना कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा था जितना होना चाहिए। ऐसे में उसका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है सिर्फ खराब ड्रेसिंग की वजह से। इसलिए हर इंसान को एक सही ड्रेसिंग ही चूज करनी चाहिए ताकि उसकी पर्सनैलिटी खराब ड्रेसिंग की वजह से बर्बाद ना हो। आप वही कपड़े पहने जो आपको फिट आते हो, और अगर आपकी फिटिंग के कपड़े मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आप मार्केट से कपड़े लेकर किसी टेलर से उन कपड़ों को अपने साइज के हिसाब से फिट करा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कपड़े ही आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने का वजह बनती हैं।
पांचवी बात है डेवलप द राइट बॉडी लैंग्वेज। कभी कभी हमारे अल्फाज वो बात ठीक से नहीं समझा सकते जो बात हमारी बॉडी लैंग्वेज समझा देती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप हंसते हंसते किसी से ये बोल रहे हैं, यार मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। हालांकि आप अंदर से सच में उस इंसान से बहुत नाराज हैं, लेकिन आपकी हंसी इस बात को उतना सीरियसली नहीं एक्सप्रेस कर रही जितना करनी चाहिए। ऐसे में सामने वाले को यही लगेगा आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं या टाइम पास के लिए बोल रहे हैं। ऐसे में आपके और उसके बीच कंफ्यूजन बढ़ सकता है। इसलिए अगर आप कोई सीरियस बात बोल रहे हैं तो अपने फेस का एक्सप्रेशन ऐसा रखें जिससे सामने वाले को लगे कि आप सच में सीरियस हैं, क्योंकि आप एक अच्छी पर्सनैलिटी तभी बिल्ड कर सकते हैं जब आपकी बॉडी लैंग्वेज सही होगी। इसलिए आगे से अपने शब्दों से भी ज्यादा अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें, लाइफ में बहुत आगे तक जाओगे। छठी बात है उदास मायूस ना रहे। एक दुखी मायूस इंसान सिर्फ नेगेटिविटी ही फैला सकता है, लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं। माना आपकी लाइफ में परेशानियां हैं, माना आप अंदर से टूट चुके हैं, माना आप बहुत अच्छे हो लेकिन फिर भी लोगों ने आपको धोखा दिया है, आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, लेकिन फिर भी आपको हंसना होगा, लोगों के साथ घुलना मिलना होगा और वो सब करना होगा जो एक नॉर्मल इंसान करता है, और अपनी मायूसी को अपने अंदर ही दबा कर रखना है वरना लोग आपसे कन्नी काटना शुरू कर देंगे और आपको देखते ही अपना रास्ता बदल लेंगे। ऐसे हालात आपकी लाइफ में कभी ना आए, उसके लिए आपको परेशान नहीं रहना है और ना ही रोना है, बल्कि अपनी परेशानी की जड़ ढूंढनी है और फिर उस परेशानी को जड़ से खत्म कर देना है ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सको, अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव कर सको। इसलिए मेरे दोस्त अंदर से इतना मजबूत हो जाओ कि दुखों का बड़े से बड़ा पहाड़ भी आपकी हिम्मत के आगे चकनाचूर हो जाए। जिस दिन आपका कैरेक्टर ऐसा हो जाएगा उस दिन आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव बन जाएगी। सातवीं बात है ग्रेट बुक्स एंड मीट ग्रेट पीपल। बुक्स हमारी पर्सनैलिटी को बिल्कुल वैसा बना सकती हैं जैसा आप चाहते हो, बस शर्त इतनी सी है आप राइट बुक्स ही पढ़ें अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करने के लिए, तभी आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होगी। आज के टाइम में तो आप जो चाहे वो बुक्स पढ़ सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। आप चाहे तो वही बुक्स ऑडियो के माध्यम से भी सुन सकते हैं। सेम ऐसे ही आपको ऐसे लोगों से मिलना चाहिए, उनसे दोस्ती करनी चाहिए जिनकी पर्सनैलिटी आपको कूल लगती है, अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि ऐसे लोगों से मिलने से हमें ये पता चलता है स्मार्ट लोगों की सोच कैसी होती है, उनका बिहेवियर कैसा होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होता है। जब आप पर्सनली मिलकर ये सब देखते हैं तो आपको एक सही तरीका मिल पाता है अपनी पर्सनैलिटी चेंज करने का। आठवीं बात है बी ऑनेस्ट। सब बातों की एक बात, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो आपको हमेशा लोगों के साथ ऑनेस्ट रहना होगा, तभी आप एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी बिल्ड कर पाओगे। आपने देखा होगा बहुत से लोग छोटी छोटी बात पर भी झूठ बोल जाते हैं और जब उनका झूठ पकड़ा जाता है वो तब भी बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होते और झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों को चीट करना किसी भी एंगल से सही नहीं है। इसलिए हमेशा ऑनेस्ट रहें, लोगों में एक नई मिसाल कायम करें। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगा, आपको अपनी पर्सनैलिटी निखारने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तभी आप एक अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक बन सकते हो। सिर्फ सोचते रहने से या दूसरों की पर्सनैलिटी को देख देख कर अपने दिल को तसल्ली देने से कुछ नहीं होने वाला। वैसी पर्सनैलिटी पाने के लिए कुछ करो तो सही। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी यार अगर आप लोग सीधापन दूर करना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और अट्रैक्टिव बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।